इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर के बारे में तो अब हर कोई जानता ही है, पर क्या आपको इंडियन वेनम विनाश के बारे में पता है? जी हाँ, इंडियन स्पाइडरमैन इशू 4 के अंत में इंडियन वर्जन ऑफ वेनम को भी दिखाया गया था, जिसे नेक्स्ट कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करने का प्लान था, पर पवित्र प्रभाकर के ही लो रिस्पॉन्स को देखते हुए विनाश का उसी वक्त विनाश कर दिया गया। वैसे ग्राफिक इंडिया चाहे तो अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के बाद वापिस से उस सीरीज को स्टार्ट कर अपने अपकमिंग कॉमिक्स ऐप टून सूत्र में रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में स्पाइडरमैन और वेनम दोनों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और लोगों को इसका इंडियन वर्जन डिजिटली पढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वैसे आपका क्या सोचना है दोस्तों, क्या ग्राफिक इंडिया को ये कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शॉर्ट्स में, तब तक के लिए बाय बाय।